नमस्कार दोस्तों, फ्री यूनिक ट्रेडिंग आइडियाज इस चैनल से मैं राजेंद्र आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। इस मार्केट का सबसे बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होने में आपकी हेल्प करेगा और आप अच्छे ट्रेडर जरूर बन जाओगे इस इंडिकेटर के माध्यम से। दोस्तों, ये इंडिकेटर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और वोलेटाइल मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सिर्फ दोस्तों प्रॉब्लम जाता है साइडवेज मार्केट में। तो साइडवेज मार्केट के बारे में आपको थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा बराबर, आपको साइडवे मार्केट पहचानना पहले सीखना पड़ेगा कि साइडवे मार्केट कैसा कैसा शुरू होता है और कैसे ना वहाँ से ख़त्म होके वहाँ से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड शुरू होता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए। और दोस्तों, ये एक्सपीरियंस से आता है, ये ऐसे नहीं आता कि नहीं आज हमने स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर लगा लिया है और आज के आज हम लोग सीख गए, ऐसा नहीं होता है। इसको एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है, यह मार्केट में एक्सपीरियंस काम करता है। तो दोस्तों, आपको अगर स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर से पैसा कमाना है तो पहले आपको इसको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इस बहुत ही बढ़िया स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। ये इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है, वेंचुरा में कैसे लगाया जाता है, वेंचुरा का जो पॉइंटर सॉफ्टवेयर होता है ट्रेडिंग का उसमें कैसे लगाया जाता है, जेरोदा में कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, हम आज जेरोदा में लगाना सीखेंगे और सभी प्लेटफॉर्म में लगाना एक ही जैसा होता है, उसमें ज़्यादातर फर्क नहीं होता है। पहले आपको उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना पहले सीखना पड़ेगा, तो आप ये सब लगाना सीख जाएंगे दोस्तों। तो आइए आज हम स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर लग तो आइए दोस्तों, ये है जेरोदा का सॉफ्टवेयर, ये जेरोदा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कैंडल बहुत अच्छी तरह से शो होते हैं। और दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे कि हमें स्टॉकेस्टिक में काम करना है, हमें स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर के सिग्नल पर काम करना है, तो आइए हम देखते हैं कि स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर लगाने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे हम, 1 मिनट टाइम फ्रेम है ये, देख लीजिएगा चार्ट अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे खुल गया है। और अभी यहाँ पे हम इंडिकेटर लगाएंगे तो ये स्टडीज़ में जाएंगे और स्टडीज़ में स्टॉकेस्टिक टाइप करेंगे। देखिए, ये स्टॉकेस्टिक RSI है, ये स्टॉकेस्टिक है, ये स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है, ये स्टॉकेस्टिक डाइवर्जेंस है, ये हिस्टोरिकल वैलेटिलिटी है। तो हम दोस्तों स्टॉकेस्टिक्स सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए स्टॉकेस्टिक लग गया है, ये स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर है। अभी देखिए दोस्तों, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ दिख रहा है। जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे यहाँ का नॉइज़ कम हो जाएगा। यहाँ पे जो बार बार इंडिकेट कर रहा है बाय सेल के लिए, ये इंडिकेशन थोड़े कम हो जाएंगे। ये देखिए, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं कैंडल में। ये हैकिनेशी कैंडल है, हैकिनेशी कैंडल में डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड भी यहाँ पे शो होता है, तो ट्रेड लेने में बहुत इजी होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया है और अभी देखिए यहाँ पे क्लियरली सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, शार्प सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया है, अगर इसी कैंडल पे बाय हो जाता तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल आया है, यहाँ पे सेल के सिग्नल पे अगर सेल का कॉल लेते,
ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम यहाँ पे सेल करते तो इतना सारा प्रॉफिट हमें मिल जाता। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक बाइंग का सिग्नल दिया है, लेकिन दोस्तों हमें ट्रेड तभी लेना है जब ये जो 80 और 80 ओवरबॉट है और 20 ओवरसोल्ड एरिया है, यहाँ पे ही हमें ट्रेड लेना है, बीच में कहीं ट्रेड नहीं लेना है। ये देखिए, ये ओवरसोल्ड में यहाँ पे जो सिग्नल दिया है, यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन ये जो ओवरबॉट के करीब जो इन्होंने जो सेल का सिग्नल दिया है, फिर यहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया है। और अभी देखते ही आज का ट्रेड यानी 25/9/2020 का, तो देखिए यहाँ पे सुबह 10:15 बजे बाय का सिग्नल मिला था। अगर और यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है कि वो वहाँ से सपोर्ट लेके जो बाय करते हैं वो हमारा ट्रेड सक्सेस हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिग्नल मिला है, यहाँ पे जैसे हमने एंट्री की वैसे ये यहाँ से करीब करीब 143 तक अभी तक गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, इसी सिग्नल का यूज़ हमें करना चाहिए। और ये दोस्तों जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है, ये सिग्नल बहुत अच्छा देता है, लेकिन सिग्नल कब अच्छा देता है? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो या होलाटाइल हो। होलाटाइल मार्केट में भी बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है, लेकिन जैसे साइडवे चलता है तो साइडवे में फिर प्रॉब्लम जाता है, साइडवे में हमारा बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हमें ट्रेंड पहचानना आना चाहिए, ट्रेंड पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेंड पहचानना हम सीख गए तो ट्रेंड और स्टॉकेस्टिक के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं और उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंट का भी यूज़ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंट यहाँ पे बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि वो गिरेगा तो एक साथ तो नहीं गिरेगा, या ऊपर भी जाएगा तो एक साथ ऊपर नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा या धीरे नीचे जाएगा। लेकिन जहाँ पे उनको सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट पे बाय करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि हमें एग्जिट करने का मौका मिल जाता है, हमारा स्टॉप लॉस जल्दी कटता नहीं है। और स्टॉप लॉस जल्दी कटता नहीं, इसका मतलब यह है कि हम कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी निकल सकते हैं यहाँ पे, या जैसे ही हमें हम प्रॉफिट में आते हैं वैसे भी निकल सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट डिसाइड होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा डिसाइड होना चाहिए कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ पे हम बाय कर लेते थे, ये यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया है, ये 20 ओवरसोल्ड एरिया से ये ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ पे अगर हम बाय करते थे तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनता था, यानी 128 का स्टॉप लॉस, और हमारा बाय हो जाता था करीब करीब 133 के आसपास। तो दोस्तों ये इसका वैसे यहाँ पे नीचे सपोर्ट बना है और ये यहाँ का रेसिस्टेंट है, तो हम लोग वैसे ही सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बीच में यहाँ पे सेल बाय करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए बाय करने वाले थे क्योंकि ये बहुत गिर चुका था और हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे जो उन्होंने सपोर्ट लिया है तो ये फर्स्ट इसका रेजिस्टेंट तोड़ के, यानी जो फर्स्ट सपोर्ट है ये फर्स्ट सपोर्ट तोड़ के वो जो सेकंड सपोर्ट तक गया था, सेकंड सपोर्ट पे उन्होंने सपोर्ट लिया और यहाँ से अभी फर्स्ट सपोर्ट तक आ चुका है और ये पिवोट पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ट्रेड लेते थे तो ये पिवोट पॉइंट तक भी हम इसको सेल करते थे या फर्स्ट रेसिस्टेंट पर भी सेल करते थे तो बहुत अच्छा हमारा ट्रेड हो जाता था। ये देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंट है, ये फर्स्ट रेसिस्टेंट है, ये फर्स्ट सपोर्ट है और ये सेकंड सपोर्ट है। तो देखिए यहाँ से ये फर्स्ट रेसिस्टेंट से यहाँ से अभी थोड़ा नीचे आना चालू हो गया है, और यहाँ पे भी हम ये देखिए ये वर्कआउट के तरफ गया है, ये वर्कआउट के करीब गया है। तो यहाँ पे एक हम सेल लेके भी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, जो अभी 43 चल रहा है, 43 पे अगर समझो हम सेल करते हैं तो 44 140 तो
पक्का है 140 तक तो मिल जाएगा। 140 हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो ये करीब करीब 1% का होगा। अगर यहाँ से भी वो नीचे आता है तो फिर 137 यानी करीब करीब 2% के करीब करीब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे स्टॉकेस्टिक पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये लाइव चार्ट है, अभी ये ट्रेड चल रहा है। मैं आपको 1 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखता है 5 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में मूवमेंट दिखती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली मूवमेंट दिखती है। और दोस्तों, अगर हम 1 मिनट पे काम करें तो हमारा एंट्री और एग्जिट बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा घाई नहीं करनी चाहिए कि यहाँ से हम लोग एंट्री करें और यहाँ से एग्जिट करें। हाँ, सपोर्ट मिला तो ठीक है, लेकिन कम से कम 5 मिनट के चार्ट पे ही देखना चाहिए हमें कि यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेट मिलता है कि नहीं मिलता है, कि हमें बाय करना है या सेल करना है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक, तो इसका हम ट्रेडिंग में अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ये करना पड़ेगा कि जैसे इस टाइप के जो साइडवे ट्रेंड होते हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। और यह हमें एक्सपीरियंस से आता है। जब एक्सपीरियंस का हम यूज़ करेंगे तो ऐसे जो ट्रेड है यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ये वोलाटाइल होता है तो उसमें एंट्री करने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी इसका आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर लगाना बहुत ईजी बात है, स्टडी में जाने जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे एसटीओ स्टॉक इतना भी टाइप किया तो भी स्टोकेस्टिक दिख जाएगा आपको। ये स्टोकेस्टिक आप डायरेक्टली लगा सकते हो। और दोस्तों, ये टाइम फ्रेम फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा। इंडिकेटर का यूज़ तभी कीजिए, बाय सेल का सिग्नल का यूज़ तभी कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पे 143 पे जो सेल लिया था, 143 का जो सेल का सिग्नल हमें यहाँ पे मिला था, यहाँ से जो हमें सिग्नल मिला, हमने 143 पे सेल किया है यहाँ पे। और हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था 140। 140 का टारगेट करीब करीब अचीव हो चुका है। और अभी सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 137। 137 ये हमारा सेकंड टारगेट है, और उम्मीद है कि सेकंड टारगेट तक ये बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है। 137 टारगेट अपना ये अचीव हो जाएगा। अभी थोड़ी देर दोस्तों अभी वेट करते हैं। यहाँ पे जो स्टॉकस्टिक ने हमें सिग्नल दिया वो बहुत अच्छा सिग्नल दिया, और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एक टारगेट तो डन हो गया है, अभी दूसरा टारगेट भी डन होने का आ रहा है। 139.65 पे चल रहा है, तो ये फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अपना डन हो गया है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपना सेकंड टारगेट बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। 137 का टारगेट हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है। 1% यहाँ से और गिरने के चांसेस है, तो आराम से हमें 2% का प्रॉफिट यह हो जाता। यहाँ पे जो सेल का सिग्नल मिला है, ये बाय के सिग्नल पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है, सेल के सिग्नल पे भी। इसीलिए बोला था दोस्तों मैंने कि जो होलाटाइल मार्केट रहता है, होलाटाइल मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है और प्रॉफिट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से हम स्टॉकेस्टिक के सहारे से, स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर के सहारे से हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये होलाटाइल मार्केट, अपर ट्रेंड या लोअर ट्रेंड, ये दो ही ट्रेंड में, ये तीन ट्रेंड में काम करता है। साइडवे ट्रेंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। साइडवे ट्रेंड में हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, नहीं तो जो हमने प्रॉफिट कमाया
तो दोस्तों जो हमने प्रॉफिट कमाया हो सकता है कि वो हम एक दो चार ट्रेड में यहाँ पे बार बार ट्रेड लेके वो गवा दे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए 139 तक आके एक थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट बहुत अच्छी तरह से अचीव हो गया है। बार बार कॉल आ रहा है मुझे। ठीक है दोस्तों, तो फिर इस स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में इतना ही। ये 5 मिनट पे आप यूज कीजिएगा, 5 मिनट पे यूज करोगे। अगर 5 मिनट का कैंडल स्टोकेस्टिक का डिफॉल्ट ही रखिए, उसमें कुछ चेंज मत कीजिए, क्योंकि जो प्लेट झेरोदा वाले झेरोदा ने जो लगा के दिया है, उन्होंने बहुत स्टडी करके लगा के दिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने खाली ऐसे डाल के छोड़ दिया है, तो उससे तो ज़्यादा नॉलेज हमें हो नहीं सकता। तो फिर दोस्तों ऐसे ही रहने दीजिएगा, और देखिए ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखिएगा। ये 5 मिनट का कैंडल है, वो 5 मिनट का रहने दीजिएगा। चाहे तो आप 1 मिनट का कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, इसीलिए सिग्नल ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, व्यूज कैंडल जो बार कैंडल होता है, कैंडल होता है, तो हमने क्या लगा लिया कि हैकिनेशी लगा लिया। हैकिनेशी में ट्रेंड इंडिकेट करता है। हैकिनेशी का जब अप ट्रेंड होता है तो ग्रीन कैंडल बनने लगते हैं, और डाउन ट्रेंड होता है तो रेड कैंडल बनने लगते हैं। और कभी कभी वोलाटाइल मार्केट रहता है तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनते रहते हैं, तो थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। वो वहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की हो जाता है, नहीं तो बार बार हमारा स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ तभी कीजिएगा जब मार्केट या तो बहुत ज़्यादा गिरा हो या बहुत ज़्यादा अपर ऊपर के साइड में गया हो। इसमें दूसरी बात यह है कि सपोर्ट रेसिस्टेंट पिवट पॉइंट, इसका भी इसमें यूज कीजिएगा। सपोर्ट पे आया तो बाय करना चाहिए। जब इस इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया तो यहाँ पे एक्यूरेसी अपनी अच्छी हो जाएंगी, और जब रेसिस्टेंट के पास गया तो वहाँ पे सेल करना चाहिए। तो इस एक एंट्री और एग्जिट के वजह से अच्छी अगर एंट्री हो गई हमारी तो प्रॉफिट बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम एंट्री करते थे 133, 133, 133, 150 तक भी हमारी एंट्री हो जाती थी यहाँ पे। तो मेन बात यह है कि स्टॉप लॉस लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा रखना पड़ता है, देखिए, क्योंकि ये 115 तक इसका स्टॉप लॉस है, यानी 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यानी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये एक आइडिया कीजिए कि यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं रखेंगे। 133 पे 133, 150 पे हमारा बाय हुआ है, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 132, 132 या 131 रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे या 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। 133, 150 पे स्टॉप लॉस रख देंगे, 2 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अगर इसको नीचे आना है तो फिर यहाँ से आएगा तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस हिट करेगा। और टारगेट इतना रखिए, कम से कम 2 रुपया 3 रुपया टारगेट रखिएगा। 3 रुपये तो रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 3 रुपये अगर रखोगे तो कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ से 1%, 1.5%, 2% भी ऊपर गया तो अपना फर्स्ट टारगेट तो वैसे 1% का रहेगा, लेकिन सेकंड टारगेट 2% का रहेगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि 50% यहाँ पे निकाल दीजिएगा, और 50% के लिए वेट कीजिएगा, तो आपका जो सेकंड टारगेट है 2% का, वो अचीव होने में मदद मिलेगा। और वहाँ से अगर नीचे आ गया तो जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको बढ़ा के आप अपने बाइंग प्राइस पे रख सकते हैं। तो ऊपर से नीचे आएगा तो भी हमें लॉस नहीं देगा, और हम आधे 50% में, तो फिर जो हमारी क्वांटिटी थी 50%, उसमें तो हम प्रॉफिट कमा चुके होंगे। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट में ही रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टारगेट बहुत जल्दी अचीव होता है, सेकंड टारगेट अचीव होने में टाइम लगता है। वहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा जो आप प्रॉफिट में दिख रहा था वो फिर बाद में लॉस में दिखने लगे।
तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट बहुत मायने रखती है। और जैसे हैकेनेसी का फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ग्रीन, फर्स्ट कैंडल ग्रीन दिखे और सेकंड कैंडल रेड हो जाए तो उसी के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। और इस उसमें एंट्री लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर उस वहाँ से ऊपर उसको जाना होगा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा भी मत रखिएगा, क्योंकि कम से कम 1% 1.5% 2% तो स्टॉप लॉस रहना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में ही 0.5% का 1% का स्टॉप लॉस रखोगे और फिर बार बार हिट होगा तो फिर ज़्यादा ज़्यादा आपको लॉस होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि मार्केट वोलाटाइल रहता है, और अगर फाइनेंस कंपनियों के शेयर्स में या स्टॉक में या बैंक निफ्टी जैसे इसमें अगर ट्रेड करोगे तो यहाँ पे बहुत वोलाटिलिटी होती है और स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं। ये मैं आप अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखोगे तो एक आधे बार हिट होगा तो ज़्यादा लॉस करेगा आपको, लेकिन बार बार कम से कम हिट नहीं होगा। और एंट्री और एग्जिट अगर आपका बराबर अच्छी तरह से हो गया, आप अगर सीख लिए कि एंट्री और एग्जिट कहाँ पे करना है, तो फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांसेस रहती है। तो दोस्तों ये अल्टीमेटली 140.29 पे चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा। अभी इसका डाउन ट्रेंड जो चालू हुआ है वो अप ट्रेंड में नहीं चेंज होगा यहाँ से। तो मुझे लगता है कि 137 का जो टारगेट है वो तो बहुत जल्दी अचीव होने वाला है।